उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये जो पेट्रोल और डीजल के जो आरोप लगाए ये सरासर झूठ है और पिछली परिषद के समय का बहुत ज्यादा डीजल जला हुआ, जबकि उस समय एक ही ट्रैक्टर था और वर्तमान में चार वाहन होते हुए भी डीजल पेट्रोल की खपत बहुत कम है और राजनीतिक द्वेषता के कारण मेरे आरोप प्रत्यारोप अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं। वहीं वार्ड 15 के पार्षद बबलू गोड के मुताबिक पेट्रोल और डीजल निकालने की अनुमति पंचायत अध्यक्ष को नहीं है, बावजूद इसके सीएमओ की मदद से वो पेट्रोल निकालते रहे। पेट्रोल घोटाला, उसके बाद में खरीदी में बहुत घोटाला है इनका, कम से कम इन्होंने 8 लाख रुपए तक का भी पेट्रोल का और डीजल का घोटाला कर रखा है। जो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं नगर पंचायत में, फिर भी पेट्रोल निकलता है नगर पंचायत में। वहीं जब इस मामले में आरोपी सीएमओ राजेंद्र जैन से बात की गई तो पहले तो वो कैमरे के सामने आने से कतराते रहे, लेकिन बाद में हमने अपने खुफिया कैमरे में राजेंद्र से बातचीत कैद कर ली। राजेंद्र से जब ऑल्टो गाड़ी में पेट्रोल भराने की बात पूछी गई तो साहब ने बड़ी ही सादगी से पेट्रोल पंप वाले की गड़बड़ी बताकर बात को खत्म कर दिया। आप भी सुनिए क्या कहा सीएमओ साहब ने। डीजल का गलत लगाया हुआ हमने, वो उसकी लिखा पेट्रोल पंप वाले की जो था दिल्ली बिल तो आते ही थे ना, बिल नहीं आते तो पेमेंट नहीं कैसे करते। आपने अगर पेमेंट किया तो बिल तो आप नहीं हाँ तो वो उसका मान लो बाइक ही एक आधा लिखा होगा ऐसा मेरा ज्यादा कह रहा है गणेश डीजल का नहीं जगह जी ने मेरी शिकायत दिलीप चौधरी की भी थी सरकारी कार्यक्रम में भी था पहले भी नहीं था तो उनके मैं मेरी बहुत शिकायत मेरी शिकायत करी क्या उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही ये बैठे उसके पर से तो एक हाथ से अपने को हटाएंगे पक्का मतलब हम बैठे उनकी मजबूरी ये थी इनमें इसलिए नहीं हटा पाए ये इनकी कोशिश आज भी करी है पुलिस से उनका मजबूरी का कारण यह रहा कि ये दबाव में अगले भी ये आसन उनको हटा नहीं सकते जिनका इतना सोर्स है कि यह हटेगी उनको। तो इंदौर में नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 8 लाख के पेट्रोल डीजल को बर्बाद किया है, नुकसान किया है। आरटीआई के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं आरटीआई कार्यकर्ता सत्यनारायण, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ जानकारी जो है वो आरटीआई में निकलकर आई है, जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी नमस्कार जी सर, ये जो सूचना के अधिकार में जो अपन ने जानकारी ली थी जी उसमें सिर्फ इन लोगों ने अपने को डीजल पेट्रोल की ही जानकारी दी है जी, और बैंक स्टेटमेंट अपन ने निकलवा था उसमें कम से कम इनका टोटल मिला के 2 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है जी। यहाँ तक कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने लड़के की शादी में भी डीजल 500 लीटर डीजल 14/5/2011 को इनके लड़के की शादी थी उसमें इनने जो है 500 लीटर डीजल निकाला है, प्राइवेट लोग जो है उनके आस पास के उनके रिश्तेदारों के साइन है उसपे जी। सत्यनारायण जी 2 करोड़ के घोटाले की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई अब इन पर हो सकती है? को हमने अभी जो है कमिश्नर साहब को कार्रवाई की है, कमिश्नर साहब को लिखित में शिकायत की है, अगर कमिश्नर साहब इस पे अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसको 1 महीने के बाद हम कोर्ट के अंदर ले जाएंगे जी। सत्यनारायण जी लेकिन यहाँ पर जो दोनों आरोपी हैं वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं इन बातों पर। हाँ जी ये तो आएंगे ना, ये तो टाल मटोल करेंगे से क्योंकि पेपर बोल रहे हैं ना जी, हमने तो पेपर के आधार पे इनकी शिकायत की है और पेपर के आधार पे हम इसको जो है कोर्ट में ले रहे हैं जी। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, 2 करोड़ के करीब जो है घोटाला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े थे फोनलाइन के जरिए, उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल का निजी इस्तेमाल किया है, सरकार को चूना लगाया है, करीब 2 करोड़ का एक घोटाला जो है वो बताया जा रहा है जो कि अपने आप में काफी बड़ा है। वहीं सीएमओ पर भी इस तरह का ये आरोप लगा है। इस बुलेटिन में फिलहाल उतनी छोटी सी।